बाड़मेर की विष्णु कॉलोनी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में चल रही 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा का समापन बुधवार को हुआ। कथा के 9वें और अंतिम दिन कथावाचक संत प्रेम हरि महाराज के द्वारा शिव महापुराण के कई प्रसंगों का संगीत में वाचन किया गया, जिस पर श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आए। कथा समापन पर कथावाचक भामाशाओं और आयोजकों का सम्मान किया गया। बाड़मेर की विष्णु कॉलोनी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में चल रही 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा का समापन बुधवार को हुआ। कथा के 9वें व अंतिम दिन कथावाचक संत प्रेम हरि महाराज के द्वारा शिव महापुराण के कई प्रसंगों का संगीत में वाचन किया गया, जिस पर श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आए। कथा समापन पर कथावाचक भामाशाओं व आयोजकों का सम्मान किया गया। कथा का वाचन करते हुए कथावाचक संत प्रेम हरि महाराज ने कहा कि शिव के महात्मा से ओतप्रोत यह पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव पापों का नाश करने वाले देव हैं तथा बड़े सरल स्वभाव के हैं। इनका एक नाम भोला भी है। अपने नाम के अनुसार ही बड़े भोले भाले एवं शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनवांछित फल देने वाले हैं। कथा वाचक ने श्रद्धालुओं से कहा कि धार्मिक आयोजनों में भावनाएं होनी जरूरी हैं। सगुण साकार सूर्य चंद्रमा जल पृथ्वी वायु यह एक शिव पुराण का स्वरूप है। अपने चारों ओर सदैव वातावरण शुद्ध रखें। जहाँ स्वच्छता और शांति होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। शिव की महिमा का वर्णन कर कहा कि भगवान शिव ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। शिव की भक्ति से सुख व समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अपने अभिमान में चूर होकर दक्ष प्रजापति ने कनखन में यज्ञ किया, जिसमें सभी देवों व ऋषि मुनियों को आमंत्रित कर उन्होंने भगवान शिव की उपेक्षा की। स्त्री का चाहिए वो अपने पति का आदर करें और कोई अगर उनके पति की मजाक उड़ाए उनका अपमान करें तो स्त्री को विष्णु कॉलोनी के बाबा रामदेव मंदिर में आयोजित की जा रही 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा के समापन अवसर पर कथा के आयोजकों कथा आयोजन में आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाहों और संपूर्ण व्यवस्थाएं संभालने वाले कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह और दुपट्टा देकर व्यासपीठ से सम्मानित किया गया। कथा का समापन बुधवार को महाआरती के साथ किया गया। इसके बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। कथा श्रवण को लेकर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बाबा रामदेव मंदिर में मौजूद रहे।